हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अब विश्व भारती शिक्षा सदन बिहार चौरस्ता। वी हैव लर्नड अबाउट टेंस, इट्स काइंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बिफोर टू वीडियोज। टुडे वी शैल लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस and future continuous tense comparatively. Now let's start. सबसे पहले हम लोग present continuous tense पहचान, जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, लगा रहे, उसे present continuous tense का वाक्य समझते हैं। ठीक इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी क्रियाओं के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब चलते हैं एक्जिलियरी की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन एक्जिलियरी वर्ब हैं, ईच, एम, आर। ईच, एम, आर के बाद हमेशा वर्ब फोर को रखा जाता है। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि ईज एम आर के बाद मुख्य क्रिया कितने रूपों में आती है, तो ध्यान रखने वाली बात होगी कि ईज एम आर के बाद भर चौथे और भर तीसरे फॉर्म में रहता है। अगर भर चौथे फॉर्म में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव कहलाता है। अगर ईज एम आर के बाद भर चौथे की जगह तीसरा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म हो जाता है। यहां ये चीजें मार्क करने वाली है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब ईच एम बदलता है तो पास्ट टेंस में वाज हो जाता है, आर बदलता है तो वर हो जाता है। जिस तरह ईच एम आर के बाद वर्ब के चौथे फॉर्म को रखते हैं, ठीक उसी तरह हम वाज और वर के बाद वर्ब के चौथे फॉर्म को रखते हैं। अब यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि वाज और वर के बाद वर्ब चौथा रूप में हो तो समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वाक्य है। लेकिन वाज और वर के बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में हो तो वहां ये ध्यान देने वाली बात होगी कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म हो जाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाच और वर के बाद वर्ब थ्री और वर्ब फोर ही आता है, दूसरा कोई फॉर्म नहीं आता है। ठीक उसी तरह ईज एम आर के बाद वर्ब थ्री और वर्ब फोर ही आता है, दूसरा कोई वर्ब का फॉर्म नहीं आता है। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मात्र दो एक्जिलियरी है, शैल और विल, जिसके बाद बी का प्रयोग करके वर्ब के चौथे रूप को रखा जाता है। अब यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि शैल बी और विल बी के बाद वर्ब चौथा रूप और वर्ब का तीसरा रूप भी होता है। वर्ब का चौथा रूप जब होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव वाक्य कहलाएगा। वर्ब का तीसरा रूप जब होगा वर्ब फोर की जगह तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य कहलाएगा। अब चलते हैं पैटर्न की तरफ। सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक। अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद इज एम आर को, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। ठीक उसी तरह सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब को, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद शैल विल को रखते हैं, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यानी यहाँ एक देखने वाली बात है कि इज एम आर की जगह
वाज वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, वाज वर्ब की जगह शैल बी विल बी का प्रयोग कर दिया है। जहां सब्जेक्ट का पोजिशन है हमेशा वही रहेगा। कंपेरेटिवली पढ़ाने का मकसद यही है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न क्या होता है। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बारीकी से स्टडी कर लें तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जरा भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इज एम आर की जगह पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर हो गया। जहां वर्ब का स्थान है वही है, जहां ऑब्जेक्ट का स्थान है वही है, इसमें भी जहां मेन वर्ब का स्थान है वही है, ऑब्जेक्ट का जहां स्थान है वही है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब का जहां स्थान है वही है, ऑब्जेक्ट का स्थान वही है। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। यू आर रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में यू वर रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। अब एक चीज यहां प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा, बहुत लोग वर को वेयर भी पढ़ते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर नॉट वेयर। अब चलते हैं निगेटिव पैटर्न की तरफ। निगेटिव जिसका मतलब होता है नकारात्मक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि एक्जिलियरी वर्ब के बाद नॉट जोड़ देने से वाक्य निगेटिव बन जाता है। आप इस पैटर्न में भी देखें इज एम आर के बाद नॉट है, इस पैटर्न में भी देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न में वाज वर्ब के बाद नॉट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न में भी देखें कि शैल विल के बाद नॉट तब भी है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि शैल बी और विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। बहुत से विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं कि शैल के बाद बी आता है, बी के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह की गलती नहीं करनी है। अब एग्जाम्पल की तरफ देख चलते हैं। यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यू वर नॉट रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यू विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहेंगे। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पैटर्न की तरफ। इंट्रोगेटिव जिसका हिंदी होता है प्रश्नात्मक, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूं कि जब तक एक्जिलरी सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा। आप इस पैटर्न में भी देखें कि सब्जेक्ट के पहले इज एम आर का प्रयोग है। ठीक उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के पैटर्न में देखें, सब्जेक्ट के पहले वाज वर्ब का प्रयोग है। ठीक उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न को देखें, सब्जेक्ट के पहले शैल और विल का प्रयोग है। यानी यहां एक समझने वाली बात है कि जब तक एक्जिलियरी सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा। अब एक बात पर यहां ध्यान देना अति आवश्यक है, वो क्या चीज है कि जब सब्जेक्ट के पहले एक्जिलियरी हो, चाहे कोई टेंस क्यों ना हो, चाहे कोई एक्जिलियरी क्यों ना हो, तो उस एक्जिलियरी का हिंदी क्या होता है, उस एक्जिलियरी का हिंदी क्या होता है और उस वह हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आर यू रीडिंग इंग्लिश, अब यहां हम कहेंगे क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब यहां देखेंगे कि वर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्य की तरफ चलेंगे, विल यू बी रीडिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। यानी इंट्रोगेटिव वाक्य एक्जिलियरी से शुरू हो तो उस एक्जिलियरी का हिंदी क्या होता है, यहां वाट नहीं होता है। अब चलते हैं
निगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव। अब देखेंगे यहां पर इज एम आर के बाद सब्जेक्ट है तब नॉट को रखे हैं। अगर नॉट यहां नहीं रखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के पहले अगर नॉट को रखना चाहते हैं तो हमेशा नॉट शॉर्ट फॉर्म में होगा, कभी भी फुल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे इज के साथ नॉट रखेंगे तो इजेंट हो जाएगा, एम के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म रखेंगे तो अरेंट हो जाएगा, क्योंकि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म अरेंट ही होता है। आर के साथ नॉट को यहां रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो अरेंट हो जाएगा। जब यहां शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कर दे तो अब यहां नॉट देने की कोई नीड्स नहीं है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की तरफ। वाज वर सब्जेक्ट नॉट, अगर आप यहां नॉट का फुल फॉर्म नहीं देना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के पहले नॉट के शॉर्ट फॉर्म को रख देंगे। जब सब्जेक्ट के पहले नॉट के शॉर्ट फॉर्म को रखेंगे तो यहाँ वाजेंट हो जाएगा, ये वरंट हो जाएगा। जब वाजेंट और वरंट हो जाएगा ये, तो यहाँ नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में चलते हैं, देख रहे हैं कि शैल विल सब्जेक्ट नॉट तब बी को रखा गया है। अगर नॉट का फुल फॉर्म यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ शांट कर सकते हैं, अवंट कर सकते हैं, यानी शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वंट होता है। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल की तरफ चलते हैं। विल यू नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहेंगे? अब हम चलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले पैटर्न की तरफ। यस नो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उस एक्जिलेरी के पहले हम डब्ल्यू एच जोड़ देंगे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा। जैसे ऊपर में हम लोगों ने देखा डब्ल्यू एच इज एम आर सब्जेक्ट एम बी फॉर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी तरह सब्जेक्ट के पहले डब्ल्यू एच वाज वर सब्जेक्ट एम बी फॉर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू एच शैल विल सब्जेक्ट बी एम बी फॉर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यानी यस नो क्वेश्चन के पैटर्न से हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैटर्न बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, आप क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? अब यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर वाई को हटा दिया जाए तो अगर हम पढ़ेंगे कि आर यू रीडिंग इंग्लिश तो इसकी हिंदी होगी क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और यही आर के पहले अगर वाई लगा दिए तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि आप क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यहां इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल की तरफ। वाई वर यू रीडिंग इंग्लिश, आप क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे थे? ठीक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वाई विल यू बी रीडिंग इंग्लिश, आप क्यों अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे? अब हम चलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के निगेटिव पैटर्न की तरफ। जिस तरह यस नो क्वेश्चन का निगेटिव बना रहे थे, एक्जिलेरी के साथ यहां अगर नॉट का शॉर्ट फॉर्म जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, अगर यहां जोड़ना नहीं चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को रखें। नॉट का फुल फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है इंट्रोगेटिव वाक्य में, सब्जेक्ट के पहले जब भी होगा तो शॉर्ट फॉर्म में ही होगा। इस बात को मैं दोबारा बताना चाहता हूं ताकि आप भविष्य में इस तरह की गलती न कर सके। आप यहां देखें डब्ल्यू एच वाज वर सब्जेक्ट नॉट, अगर नॉट यहां नहीं रखना चाहते हैं तो वाजंट वरंट कर सकते हैं यहां पर,
ठीक उसी तरह इसमें देखते हैं डब्ल्यू एस शैल विल सब्जेक्ट नॉट। अगर नॉट यहां आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप सांट यहां सांट कर सकते हैं, यहां पर वंट कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। व्हाई आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, दूसरे तरह से आप कह सकते हैं व्हाई आरंट यू रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। व्हाई वर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, आप दूसरे तरह से आप इस वाक्य को कह सकते हैं व्हाई वरंट यू रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। व्हाई विल यू नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, अब अगर नॉट यहां नहीं रखना चाहते हैं तो यहां हो जाएगा, दूसरे तरह से आप कह सकते हैं व्हाई वांट यू रीडिंग इंग्लिश, आप क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। ये पैटर्न रहा। पैटर्न के बाद अब नोट में मैं बताना चाहता हूं, नोट जिसकी हिंदी होती है संकेत। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ एम का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहां देखें वी यू दे और प्लुरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहां वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे और प्लुरल नाउन थर्ड पर्सन में आते हैं, इनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और सिंगुलर नाउन ये थर्ड पर्सन में आते हैं, इनके साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। आई ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉच का प्रयोग करते हैं, जबकि वी यू दे प्लूरल नाउन्स के साथ वर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी यू दे ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने अभी तक कंपेयर करते हुए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया। कंपेयर करके पढ़ाने का मकसद यही है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ताकि कोई डाउट न रहे। थैंक यू, मोर इन नेक्स्ट वीडियो।